ओह माय गॉड, ग्लास के ऊपर खड़े रहो, ये पहली बार में कर रहे हो? वाह, ओके, सो ये इंडिया का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है। गाइस, वेलकम टू द एडवेंचरस सिटी ऑफ बिहार, राजगीर। Rajgir has everything for adventure lovers. Whether you want to show your fearless side or just have a great time, Rajgir has the best adventures. And right now, I'm at Rajgir Nature and Wildlife Safari. Got my ticket for the safari. So today is going to be a very adventurous day. Tabiyat thoda kharab hai mera, lekin I think क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना, तो आई एम बीइंग एबल टू कोप अप, सो फिंगर्स क्रॉस्ड द डे विल बी अमेजिंग। दिस नेचर सफारी इज वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री एंड इट्स स्प्रेड अक्रॉस 500 एकर फॉरेस्ट एरिया। इस सफारी की टिकट का प्राइस है 150 रुपीस। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो, लाइक द ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन जिपलाइन, आर्चरी, ट्रेकिंग, मड एंड ट्री कॉटेजेस, वुडन हट एंड अ मेडिसिनल पार्क। मैं तो सो गए थे, स्कूल दिन की याद आ गए। जब मैं घर पे जा रहे थे ना, मैं एकदम थक चुकी हूँ और बस पे बैठे हो और नींद आ जाती है एंड देन यू नो आपका सर ऐसा ऐसा कर रहा है ऑन द विंडो। या वाज अ नाइस नैप, आई डिडंट मिस एनीथिंग। नो नहीं, द एक्चुअल सफारी इज गोना स्टार्ट नाउ आई बिलीव। First up, Sky Glass Bridge. ये ग्लास ब्रिज बिल्ड किया गया है अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ बिहार्स सीएम नीतीश कुमार। सराउंडेड बाय 5 हिल्स, दिस ब्रिज हैंग्स 200 फीट अबव द वैली एंड अप टू 40 पीपल कैन वॉक अक्रॉस द ब्रिज एट द सेम टाइम। ओह माय गॉड, मैं ग्लास के ऊपर खड़े रहो, ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। वाह, ओके, सो ये इंडिया का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है एंड इट्स हियर इन राजगीर बिहार एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। आई मीन लुक एट दिस व्यू, लुक एट द सीनरी, द नेचर, वाह। Now, let's head to the suspension bridge. So I'm right now on Rajgir's suspension bridge. Naam to bahut kamal hai, hai na? And this bridge is exactly like hawa mein hai. Over the very famous Falgu River. अच्छा, मैं कुछ पूछ सकते हो क्या? हाँ जी हाँ। यहाँ पे रिवर दिखता है क्या? नहीं, रिवर नहीं दिखता। मतलब वो फाल्गु नदी जो है ना? फाल्गु रिवर तो अंडरग्राउंड है। क्या बात कर रहे हो, अंडरग्राउंड है? अंडरग्राउंड है। मतलब उसके जब जैसे उसके किनारे पे जाएंगे ना, उसके कोस्ट पे, उससे आप थोड़ा सा नीचे डिग करेंगे तो पानी आएगा नीचे। अच्छा, मुझे तो लगा कि धूप इतना कड़क है तो वो सूख गए। सीता माता का श्राप लगा था। हाँ। जब उन्होंने दशरथ महाराज का श्राद्ध किया था। हाँ। तब श्री राम और लक्ष्मण गए थे। हाँ। सामान लेने के लिए। अच्छा। तो सीता माता अकेले थे वहाँ, तो
तो दशरथ जी महाराज ने अपना हाथ निकाला कि मेरा पिंड दान करो। तो वो कह रहे श्री राम और दशरथ तो बाहर गए हुए हैं। हाँ। तो नहीं, कहता बेटा तुम ही करो। अच्छा। तो कहती कैसे करें, मेरे पास तो सामान नहीं है। हाँ। कह रहे आप मिट्टी से ही कर दो। तो वहाँ से फल्गु रिवर से मिट्टी निकाला, उसी से उनका वो कर दिया, तो पिंड दान कर दिया। तो एक सेकेंड, अगर मैं करेक्ट समझी तो अभी अगर हम यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं, अगर हम इधर डिग करेंगे तो पानी निकलेगा? हाँ, वो गया के पास है, वो जो अच्छा विष्णु पद मंदिर है ना, उसके पास निकलता है। ओके, आप मैं समझा। अच्छा ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। ये भी पहली बार मैं कर रही हूँ, ये मैंने कभी किया नहीं। I've just seen it on like Instagram videos, YouTube videos. लोग ऐसे जाते हैं, बहुत scary दिखता है, but इतना scary है नहीं। It's quite fun. मज़ा आ रहा है मुझे। Oh, wow! See this. Hi. Hi, little one. Doo doo doo. Hi. Hi. Ah, पहुँच गए। Tree house. तो वहाँ पे लगता है कि VIP लोग रह सकते हैं। फिलहाल हम VIP है नहीं, तो हम नहीं रह पाओगे। ओपन थिएटर, वाओ, इधर ओपन थिएटर भी रहता है, मतलब मूवीज भी देख सकते हैं इधर। कैमरा जी ये पकड़ लीजिए। अरे इधर से भी बंद है। अंदर एक बिस्तर है, एक टेबल है, आई थिंक तीन कुर्सियां है। इट्स लाइक अ कोजी लिटिल वुडन हाउस। वाओ, सोचो जब बारिश गिर रहा है ना, क्या मज़ा आएगा यहाँ पे चाय के साथ भी। प्रोड्यूसर जी हमको बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। ओयो, वो देखो, बाप रे, मुझे एक टिकट चाहिए, वो 100 ले लीजिए। हे भगवान, कितना हैवी है ये? हैवी नहीं है, ये हैंड पर सिर्फ रखना है। वेट वेट, सीरियसली मेरी तबीयत थोड़ी खराब है आज, इसलिए वीकनेस है मेरी बॉडी में, इतना वीक नहीं हूँ मैं नॉर्मली। अरे बाप रे, हाँ मस्त मारा मैंने। अरे भाई ये देखो, न्यू टैलेंट फाउंड। मैंने बोला ना बच के रहना, अभी कोशिश करते हो। अभी करेक्ट है। अब हम सफारी के लिए जाएंगे। Are you guys excited? Special socks for the safari. They are chickens. हवा की ऊंचाइयों में काफी एक्टिविटी हो गई। Now I'm heading back. वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए दूसरा रूट है और उसके लिए दूसरी टिकट लेनी पड़ती है, which costs 250 rupees per person. And उसकी buses भी different है. So, चलो चलते हैं for another adventure.
The foundation stone of this safari was laid in 2017 by the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, and was opened to the public in February 2022 with 1,000 daily visitor capacity. Spread over 472 acres, this is the first modern zoo in India where you can see animals all around you. Matlab, animals are not caged. Wo khule aam forest mein ghoomte hai. And उन्हें देखने हम ये केज बस में जाते हैं. The safari has been divided into 5 broad zones, one each for lion, tiger, leopard, bear and herbivores. There is an ivory zone, a butterfly park, an interpretation center, an orientation gallery, an amphitheater and a management section in the 2 parks. यहाँ पर 2 tigers हैं, 8 lions हैं, 2 leopards and nearly 200 other animals. इंडिया में पहली बार सफारी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और वो यहीं पे है राजगीर बिहार में और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे लेपर्ड्स है, लायंस, टाइगर्स, बियर्स, डियर्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं. सो देखते हैं मैं कितना लकी हूँ. बुला नहीं सकते ऐसा. हमारा जो वाइल्ड लाइफ सफारी है वो टोटल 191 हेक्टेयर में फैला हुआ है जिसको 3 जोन में बांटा गया है. मैनेजमेंट जोन, सफारी प्लाजा और इंटेंशन जोन. ठीक है, आपको जब आप इंटेंस प्लाजा में एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिलेंगे सेल्फी पॉइंट, एग्जीबिशन सेंटर, 180 डिग्री थिएटर. ठीक है, जो भी सारा सेल्फी पॉइंट है एनिमल्स के ब्रांच का बना हुआ है. उसके बाद फिर आप आइएगा ओरिएंटेशन प्लाजा में जहाँ से आप लोग पिकअप पॉइंट पे बैठे थे वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन प्लाजा है, वहाँ पे वेट कर सकते हैं अगर ज्यादा क्राउड रहेगी तो. उसके बाद है सफारी प्लाजा, ये जो आप इनक्लूजर विजिट कर रहे हैं अभी आपको टाइगर देखने के लिए मिलेगा. और मैं ये देखना चाहता हूँ जब आप टाइगर देखते हो तो आपका फेस पे कैसा स्माइल आता है, जस्ट टाइगर आपको मिल गया. सुंदर है वो. बड़ी बिल्ली. वाइल्ड कैट. आप ध्यान से देख सकते हो उनका जो डार्क ब्लैक वर्टिकल लाइन है ना वो टाइगर का फिंगरप्रिंट है. उसी से टाइगर का काउंटिंग होती है कि वर्ल्ड में कितने टाइगर बच रहे हैं, कितने टाइगर है जो एक्सटेंट हो गए हैं. कि इतने अच्छे से आपको दिखे 2-4 मोमेंट्स में आपको दिखे, अन्यथा ये सोते हुए ही दिखता है सारे लोग को. आप मिलना चाहोगे? अरे मजाक कर रहा आप मेरे साथ? हम मजाक नहीं कर रहे, आप चाहोगे तो हम जाके वहाँ पे गेट ओपन कर सकते हैं. गेट ओपन कर सकते हो मतलब? बट आप वापस आप आओगे या नहीं हमको नहीं पता. इंडिया विद एली बहुत फेमस है इसलिए मैं अभी मर नहीं सकती. अब हम बियर इंक्लोजर में आ गए तो देखते हैं अगर कोई बियर दिखेगा कहीं पे. देखिए वहाँ पे है सुंदरी घूम रही है, अभी हम लोग आगे चलेंगे तब दिखेगा. देखिए वहाँ पे है. वेट स्टॉप. वो टर्माइट्स को खा रहे हैं. जब इंक्लोजर में वो रहते हैं ना तो जंगल में टर्माइट्स को खाते हैं, शहद को खाते हैं. जब ये रिटायरिंग हाउस में रहते हैं तो इनके लिए शुगर केन आता है, एप्पल आता है. सुंदरी को सबसे ज्यादा खीर पसंद है और भोला को दाल रोटी ज्यादा पसंद है. अच्छा खीर पसंद है? यस. और ये जो सुंदरी है इसको फिश भी काफी ज्यादा पसंद है. मैम से सो रहे वो. हाँ, इनके कैरेक्टर होते हैं ये प्रत्येक दिन लेजी होता है वो. या 18 से 20 घंटे सोते हैं ये. अच्छे से सोते हैं फिर जैसे उठते हैं तब देखना बाबा फुल ये होगा. वो हमको नोटिस कर रहा है क्योंकि उसका भी अभी क्या बोलते हैं टेल. हाँ, टेल है जो मोमेंट में. हाँ, जैसे वो रॉयल बंगाल टाइगर भी हाँ, किया और हाँ, फिर वो उठ गए. रॉयल बंगाल टाइगर तो सोई हुई थी बट हाँ, आपको देख के वो उठ गया. देखते हैं लायन उठता है या नहीं. हम लोग कुछ देर यहाँ पे स्टे करें. आग भी खुला. आग भी खुला. अयो जाना आग भी खुल रहा है वो. इट्स अ छोटे वाला बच्चा. इट्स अ लड़का, मतलब छोटा वाला लड़का है ये. मुझे लगता है ऐसा. कितने साल का है बता सकते हैं आप? मुझे लगता है ये शायद 1 साल का है. Wrong. हाँ, 6-6 महीने. नहीं नहीं, wrong. नहीं?
3.5 साल का है। क्या बात कर रहे हो? Really? But इतना slow उसका बाल बाहर grow जाता है। हाँ? जब वो stand होगा ना, तब ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। अभी सो रहा है ना, तो आपको कम दिखता है। Yes. कभी सोचा नहीं था यहाँ आकर नेचर सफारी और वाइल्ड लाइफ सफारी करूंगी। आई हैव टू से आई फील द बिहार गवर्नमेंट हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब बाय प्रोवाइडिंग टूरिस्ट विद डाइवर्स ऑप्शंस फॉर लीजर एक्टिविटीज। एंड दिस इज नॉट इनफ, यहाँ पर पास में पांडुपोकर इको एडवेंचर रिसोर्ट है। एंड नाउ स्प्रेड अक्रॉस 22 acres, Pandupokkar in Rajgir is a beautiful, calm and serene location, showcasing a magnificent piece of Indian history that traces its roots back to the Mahabharata. जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पर 37 feet tall King Pandu की bronze statue है। महाभारत के दौरान जब युधिष्ठिर के पांचों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और स्वयं युधिष्ठिर, ये चारों लोग प्यास की वजह से जब परेशान थे तो यहाँ पे आए इस पांडु पोखर में पानी पीने के लिए। और पानी पीने से पहले यक्ष ने उनसे कुछ सवाल के जवाब मांगे, जिसकी वजह से उन लोगों ने पानी पीना पी लिए पहले। उसके बाद पानी पीने से पहले उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, और उसने बोला कि अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आप लोग ये पानी नहीं पी सकते। उन लोगों ने पानी पी लिया और लिहाजा वो लोग अचेत हो गए। फिर जब काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद जो है युधिष्ठिर उनको खोजते हुए आए, तो यक्ष ने भी उनसे वही सवाल पूछा जो उनके भाइयों से पूछा था। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा पहला प्रश्न कि अज्ञान क्या है। युधिष्ठिर ने यह बताया कि आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। फिर यक्ष ने दूसरा सवाल पूछा, दुखों से मुक्त कौन है? तो युधिष्ठिर ने पूछा, जिसके पास क्रोध नहीं है वह दुखों से मुक्त है। फिर उसने पूछा, वह क्या है जो अस्तित्व में भी है और नहीं भी है? युधिष्ठिर ने बोला कि माया वह चीज़ है जो अस्तित्व में भी है और नहीं भी है। फिर उसने पूछा कि माया क्या है? उसने बताया कि नाम और रूपधारी रूप ही माया है। तीन सब सवालों के जवाब जो युधिष्ठिर ने यक्ष को दे दिया, तो यक्ष के प्रश्न बिल्कुल उनके उत्तर मिल गए। तब उसने कहा कि अब आप इस पोखरे का पानी आप पी सकते हैं। और उसके बाद बहुत निवेदन के बाद उन्होंने अपने और चारों भाइयों को भी उनसे सहमत लेके उनको जो है फिर होश में लाया और फिर अपने साथ लेके गए। But this place doesn't only have historic significance. यहाँ पर fun-filled indoor, outdoor and adventurous activities भी है, like bungee jumping, zip line, zobing ball, zobing capsule, Burma bridge, boating और बहुत सारे इंडोर एक्टिविटीज भी है फॉर एंडलेस एंटरटेनमेंट। एंडिंग माय डे विद अ ब्यूटीफुल सनसेट, एंड आई हैव टू से मतलब मुझे ऐसा लगा कि बिहार में आके मैं सिर्फ बहुत सारा खाना ट्राई टेस्ट करूँगी और बहुत सारे होली प्लेसेस पे जाऊँगी एंड आई गेट टू एक्सप्लोर दैट। बट ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा कि बिहार टूरिज्म हैज मेड श्योर कि इतने सारे और एक्टिविटीज़ है यहीं पे जो टूरिस्ट आके एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे मैंने किया। आज पूरा दिन आप बिठा सकते हो यहाँ पे, सो इट कैन बी अ वेरी एडवेंचरस फन डे। और यहाँ पे पानी भी मिलता है, स्नैक्स भी मिलता है, ये सारी चीज़ें भी मिलता है, अच्छे वॉशरूम्स भी। सो इसका टेंशन मत लीजिए, आप बस आइए अकेले या दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ और पूरा दिन एंजॉय करो जैसे मैंने किया। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा दिन बिताया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।